भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में पुराने कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ। कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो, बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए है। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुँह दिखाऊंगा, और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है। अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है, और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके, कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है, तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ, तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली, लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीद कर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो, वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? आज रात मैं
पहरेदारी करूंगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी रानी बबली बोलती है, नहीं आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी, हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओ, तो ये बात है, मुझे आपके काम आने के खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है, ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक नगर में रिंकू खरगोश और भल्लू भालू रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंकू को जंगल में जाने का काम पड़ता था। वहाँ पर एक चालाक और बदमाश पिग्गी रहता था। वो खरगोशों को लेकर शेरा को बेच देता था। पिग्गी जंगल में मिलने वाले खरगोशों को रास्ता भटका देता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन भल्लू और रिंकू जंगल में गए। भल्लू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिंकू आगे चला गया। पिग्गी उसको छुपकर देखता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। और पिग्गी रिंकू के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो किसी काम से आया हूँ, आप कौन है? मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहाँ पर सबकी मदद करता हूँ, खास कर खरगोशों की। लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पिग्गी को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसने का दिखावा करता है। सोच लो खरगोश, कहीं लेने के देने पड़ जाए। लेकिन भल्लू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पिग्गी चुप हो जाता है। क्या हुआ, आप परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त को? नहीं नहीं जी, मैं पास में ही हूँ, अगर मदद लगे तो बुलाना। दोनों दोस्त वापस नगर आ जाते हैं, लेकिन भल्लू को पिग्गी की बात खटक रही थी। रिंकू, वो पिग्गी बदमाश है, तुम्हें उसे जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी गलत आदमी लग रहा था, लेकिन मुझे तो जंगल जाना ही पड़ता है। इस बार तो तुम थे, अगली बार क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। भल्लू रिंकू को एक अलार्म घंटी देता है। रिंकू उस अलार्म घंटी को अपने गले में पहन लेता है और थोड़े दिनों बाद वो फिर से जंगल जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे पिग्गी मिलता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम्हारा बड़ा भालू दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। किसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास नहीं है? पिग्गी रिंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिंकू अलार्म घंटी का बटन दबा देता है। भल्लू के पास अलार्म घंटी की तेज आवाज पहुंचती है। फिर भल्लू तुरंत ही रिंकू के पास पहुंच जाता है। पिग्गी भल्लू को देखकर डर जाता है और भल्लू गुस्से में पिग्गी की पिटाई कर देता है। भल्लू और रिंकू की सूझबूझ से अब पिग्गी पकड़ा जाता है और जंगल के रास्ते जाने वाली सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से भल्लू और रिंकू की बड़ी मुसीबत में भी बड़ी समझदारी काम आई।
कोंडो गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गाँव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूं। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उसे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा, मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचें। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए वो बढ़ चढ़कर पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत भी सुधारने लगती है और लोग अब सबक ले लिए कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं आती। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो गए और बबलू ने सुपर स्टोर शुरू किया। अब से गांव वाले उससे पैसे देकर ही सामान लेते थे। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है, तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ, मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही
खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा, पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू, ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना, मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है, वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली फोन क्यों नहीं उठा रही है, उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालत संभल जाएगी, इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे, आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है, चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। टॉली नगर के जंगल में कड़क से पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। तू यहाँ से अपनी दुकान हटा, तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी आपका और मेरा क्या मुकाबला है, आपकी इतनी बड़ी दुकान है,
अमीर लोग वहाँ आते हैं, मैं छोटी सी गरीब, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं, और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है। फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं, इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था, लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी, और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है, लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ, जाबाज जी आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी, आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी, बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा ना शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा, बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए, हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी, आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करें। ठीक है निधि, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, रह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है, उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है, ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद
निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है, क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन। अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा, कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है, कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है, तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। बंसीपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था, वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था, अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है, तुम देखना इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे, हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी, वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप लोगों के ऊपर इतना उधार है? ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम शाम में आके खाना बना देना, इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है, वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है, वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं, अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है, लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या, इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं, अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे, अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे,
इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है। हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था, इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वही दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था, इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।